In this video, I'll be covering the concept of that is hierarchy of courts in India. This is very important part as far as criminal procedure code is concerned. And with regard to hierarchy, I will be also discussing the powers of different authority with regard to criminal procedure code. I mean that the powers of different authorities, that are important authorities like police, defense counsel, right, private pleaders, and a very important role that is played by the magistrate or judges of higher court. So in this video, this is the main focus. Now, first of all, regarding the role of important authorities, that is of police. Ab police ka kaam kya hai kisi bhi particular case mein, jab hum criminal law ki baat karte hain, to jab hum initial stage se start hote hain, that is investigation. Investigation is done by police, और इसमें हम prevention of crime की भी जब बात करते हैं, the role of police has been given under section 149 to section 153 of criminal procedure code. तो आपको हमेशा जब भी mains point of view से या prelims में जब भी इन चीजों के regarding question put किया जाता है कि इनकी powers कहाँ पे हैं, तो आपको इसके regarding idea होना चाहिए, ठीक है? अब जो second सबसे important authority है, जहाँ से criminal law का जो बेसिक इनिशिएशन होती है, इट इज रिगार्डिंग द पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, दैट इज पीपी. अब इस केस में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं, अगर हमें डिटेल स्टडी करनी है फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, हमें सेक्शन 24 और सेक्शन 25 की नॉलेज होनी चाहिए फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. तो आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल क्या है. जैसे कि जब भी हम कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल की बात करते हैं, उन केसेस में जो केस ओपन किया जाता है, इट इज द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर. अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिकल पार्ट है यहाँ पे, कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स का हमें ये क्यों चाहिए थे इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम. जब भी कोई पर्टिकुलर क्रिमिनल केस है, जब मैं नॉर्मल बात करता हूँ कि क्रिमिनल केसेस में रॉन्ग दो तरह के होंगे, वन इज प्राइवेट रॉन्ग, अदर वन इज पब्लिक रॉन्ग. अब प्राइवेट रॉन्ग में द पब्लिक इज नॉट इफेक्टेड. अगर किसी भी तरह का मर्डर केस है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे अब वो पर्सन की डेथ हो चुकी है, सो इन दैट केस जो उस पर्सन को, जो पर्टिकुलर विक्टिम था, इसको रिप्रेजेंट कौन करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट, दैट विल बी बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर. तो इन केसेस में हम बात करते हैं कि पब्लिक प्रोसिक्यूशन में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसमें हम असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर या जनरली जब सिर्फ टर्म यूज करते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर इज द रोल इज प्लेड इन केस ऑफ जो लोअर कोर्ट्स हैं, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं. और सिंपल टर्म्स में इसको सम अप करने के लिए, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, ही इज बेसिकली अ सरकारी वकील, जिसको हम बोलते हैं सरकारी वकील. तो स्टेट को ऑन द बिहाफ ऑफ विक्टिम कोई ना कोई जो पर्सन प्रोड्यूस होगा, he will be termed as a public prosecutor. तो इसका एक important role है as far as the criminal law system is concerned. अब मैं बात करूंगा regarding the area of working. देखो friends, जो working है courts की, ठीक है, अब हम जब बात करते हैं supreme court, ये पूरी country के लिए एक single court है, fine. अब जो criminal procedure code है, वहां पे जो hierarchy start होगी, हम बात करते हैं कि अगर section 6 है, वहां से स्टार्ट होती है. सबसे पहले क्या आएगा, कोर्ट ऑफ सेशन, देन इट विल बी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, देन जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास. फिर बात करते हैं रिगार्डिंग एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट. अब इनकी जो पावर्स है, दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 28 एंड 29 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. पर यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है कि हम जब क्रिमिनल लॉ सिस्टम की बात करते हैं, इस केस में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया, बट सुप्रीम कोर्ट की पावर कहां से है, इट इज एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि उनको ये पावर कहां से मिली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को, जो फॉर्मेशन है दैट इज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जब मैं हायर कोर्ट्स की बात करता हूं. और जब क्रिमिनल कोर्ट्स में है, विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्लस सीआरपीसी, तो डायरेक्टली यहां पे जो फॉर्मेशन है, एग्जीक्यूटिव सेकंड क्लास, देन फर्स्ट क्लास, देन कोर्ट ऑफ सेशन, उसके ऊपर हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट, वो ऑटोमेटिकली वहां पे लिस्ट में आएगा, राइट. अब
नेक्स्ट पार्ट मूव करते हैं कि डिफेंस काउंसिल, मैंने अभी बात की थी रिगार्डिंग द इम्पॉर्टेंट जो अथॉरिटीज हैं जो रोल प्ले करती हैं क्रिमिनल लॉ में, अब ये डिफेंस काउंसिल क्या है? डिफेंस काउंसिल वो है जो जो पर्टिकुलर क्राइम जिसने किया, जो एक्यूज है उसको डिफेंड करेगा। अब दोस्तों कई बार क्या होता है, इवन अगर कोई भी पर्सन इफ ही इज कॉट रेड हैंडेड, इवन देन जो क्रिमिनल लॉ सिस्टम है वो ये कहता है कि हर बंदे का एक राइट है कि उसको पूरा क्रिमिनल लॉ सिस्टम के अकॉर्डिंगली मूव करना है, ही हैज द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ। तो यहाँ पे जब हम डिफेंस काउंसिल की बात करते हैं, दीज आर एक्चुअली प्राइवेट प्लीडर्स, मतलब जब हम बोलते हैं कि प्राइवेट वकील जो है उन केसेस में वो अक्यूज को डिफेंड करेगा कि इसने ये क्राइम नहीं किया, क्योंकि ये राइट मिलता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन के हर बंदे का राइट है अपने आप को प्रेजेंट करना कि हमने ये चीज ऑफेंस नहीं किया, राइट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टर्म जो है, दैट इज रिगार्डिंग द कोर्ट्स, फाइन, जिसकी हम हायरार्की की बात कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम इट जो इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे है क्रिमिनल लॉ के, आपको एक बार सेक्शन 2 में डेफिनेशंस गो थ्रू करनी है रिगार्डिंग सेक्शन 2 सबसेक्शन 3, दैट इज कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, देन कंप्लेंट केसेस। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन डी उसके रिगार्डिंग डील करता है। एक बार सारी डेफिनेशन आपको गो थ्रू करनी होगी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, राइट, जिसके रिगार्डिंग आप इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस चेक कर सकते हैं जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की वीडियोस प्रोवाइड की गई हैं। अब मैं नेक्स्ट बात करूंगा विद रिगार्ड टू सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, राइट, कि जो जुडिशियल फंक्शंस हैं दे आर एक्चुअली सेपरेट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। इस केस में जो पहले चलता था इट वॉज के जो मैजिस्ट्रेट थे दे यूज टू डील विद बोथ द फंक्शंस, कि जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज दोनों ही मैजिस्ट्रेट डील करते थे इन चीजों के रिगार्डिंग, बट ताकि ये चीजें मिक्सअप ना हो एवरीथिंग वॉज डिवाइडेड कि जो जुडिशियल फंक्शंस विल बी एक्सरसाइज बाय द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं दे विल बी डेल्ट बाय एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक जो इस वीडियो में बात की जाएगी, इट इज रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्ट्स, कि इसमें कौन सी अथॉरिटी किस चीज हिसाब से डिफरेंट कोर्ट्स को इस्टेब्लिश किया जाता है इंडिया में। सबसे पहले जो हमने पहले भी बात की रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, दैट इज विद रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि उनको पावर कहाँ से मिली, जो मेन पावर है इट इज विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि जो सेशंस कोर्ट है, जो कोर्ट ऑफ सेशन है, इनकी जो पर्टिकुलर पावर है दैट इज कि इसको स्टेट एस्टेब्लिश करती है, कि जो स्टेट में अगर कोर्ट ऑफ सेशन है इट इज फॉर द होल डिस्ट्रिक्ट, राइट, और इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है इट इज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। बट यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब हम एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं कि ठीक है स्टेट में ये चीज रिक्वायर्ड है इट इज बाय स्टेट गवर्नमेंट, बट इनमें जो जजेस प्रिसाइड करेंगे, कि इनके जो हेड ऑफ द अथॉरिटीज होंगी, दैट विल बी बाय द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट, फाइन। तो यहाँ पे जब मैं सेशन कोर्ट की बात करता हूँ, चाहे वो एडिशनल सेशन है चाहे वो असिस्टेंट सेशन है, ये दोनों चीजों में रोल जो प्ले होगा रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट इट विल बी बाय द हाई कोर्ट। तो इस वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एस्टेब्लिशमेंट कोर्ट के रिगार्डिंग कौन करेगा, स्टेट, बट अपॉइंटमेंट विल बी बाय द हाई कोर्ट, फाइन। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज रिगार्डिंग द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ठीक है फ्रेंड्स, जब भी हम किसी भी डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं कि जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, राइट, अब वहां पे जो लोकल लेवल पे सारा सिस्टम कौन चलाएगा, इट विल बी जो इस चीज को रोका जा सके, इस चीज को प्रॉपरली ग्रेजुअली अच्छे से वर्क किया जा सके, दैट इज बाय द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स, फाइन। तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट टर्म है जो कि लिंक्ड है विद द डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट्स, फाइन। और यहाँ पे जब हम टर्म यूज करते हैं चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ठीक है, जब हम सीजीएम कोर्ट की बात करते हैं, इन दिस केस हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा सीजीएम, बट ये सीजीएम है कौन है, ही इज अमंग्स्ट द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स, ठीक है। तो इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं जैसे कि एज और एक्सपीरियंस, तो हाई कोर्ट जो कंसर्न मैजिस्ट्रेट्स हैं, मान के चलो ये एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे इतने मैजिस्ट्रेट्स हैं, इनमें से ही एक पर्टिकुलर पर्सन को एज अ सीजीएम डेजिग्नेट किया जाएगा,
अब सीजीएम के ऊपर कौन सा होगा, इट विल बी असिस्टेंट कोर्ट ऑफ सेशन, देन एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन, देन कोर्ट ऑफ सेशन. तो ये हिरार्की इस हिसाब से मूव करती है. ठीक है, इसके नीचे क्या होगा, इट विल बी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट. ठीक है, होप दोस्तों आपको ये चीजें क्लियर हो पा रही है इस वीडियो से. अब मैं बताऊंगा यहाँ पे कि जो कोर्ट ऑफ सेशन है, ठीक है, इसके बाद जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, ठीक है, तो जो मेन हिरार्की बनी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सीजीएम, देन असिस्टेंट, देन एडिशनल. अब जो इनमें से ही जो सीजीएम कोर्ट है या जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात करते हैं हम, ठीक है, तो इनकी पहले ही ज्यूरिडिक्शन डिफाइन की जाती है कि एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसकी ओवरऑल वर्किंग टेरिटरी या वर्किंग उसकी लिमिट्स क्या होगी वो डिफाइन की जाती है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट इन चीजों को ऑल्टर कर सकता है रिगार्डिंग द एरिया. क्योंकि जब हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात करते हैं उनको एक एरिया अलॉट किया गया है, तो अकॉर्डिंगली अगर एरिया मोल्ड किया जाएगा तो उनके जो वर्किंग अथॉरिटी है कि वो कितने एरिया को कैटर कर रहे हैं, दैट विल ऑटोमेटिकली बी ऑल्टर्ड. राइट फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है इसमें मैं बात करूंगा कि आपको अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रिगार्डिंग वर्किंग देखनी है, यू कैन रीड सेक्शन नंबर 12 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. और जब हम सेशंस की बात करते हैं, यू कैन रीड सेक्शन नंबर 11 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. फाइन, नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा कि इनकी लिंकेज जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोविजंस प्रोवाइड की गई हैं उसके रिगार्डिंग हम डिस्कशन करेंगे. तब तक आप इन वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल के थ्रू और लोग जुड़ पाएं, उनको और नॉलेज मिल पाए. थैंक्स अ लॉट.